बहुत से लोगों का मानना है कि फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पे रहने जाएंगे, बट क्या होगा अगर ऐसा सच में हो जाए और कुछ लकी लोग वहां सेटल होने चले भी गए तो मार्स पे लाइफ कैसी रहेगी? क्या हम मार्स के सरफेस पर रह पाएंगे या फिर मार्स की सोलर रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा? क्या हम मार्स को री इंजीनियर करके रहने लायक बना पाएंगे? आई एम हार्दिक एंड यू आर वॉचिंग स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय हार्डी अमेजिंग एंड हियर्स व्हाट वुड हैपन इफ वी लिव्ड ऑन मार्स। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि इस प्लैनेट को छोड़कर कहीं चले जाएं तो मार्स को कंसीडर कर सकते हो, जो कि सन के सबसे पास होने वाला फोर्थ प्लैनेट है? मार्स हमारी अर्थ से कम 5,60,00,000 किलोमीटर दूर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40,00,000,000 किलोमीटर दूर हो सकता है। अगर हम फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं तो भी मार्स पहुंचने में सबसे कम 40 दिन और सबसे ज़्यादा 9.5 मंथ लग सकते हैं। वो अर्थ और मार्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इतना टाइम स्पेस में बिताने के बाद आप फाइनली ड्राई और लाइफलेस मार्स पे पहुंच जाओगे। क्या ह्यूमंस वहां सर्वाइव कर सकते हैं? वैसे हमें क्या क्या चाहिए होगा मार्स पे सर्वाइव करने के लिए? सबसे पहले तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करें ये सोचना होगा, जिससे हम ब्रीथ कर सकें, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और वहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा नहीं है कि हम बस अर्थ से ऑक्सीजन मार्स पर लेके जा सकें, बट नासा की मशीन जिसका नाम मॉक्सी है उससे मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन बना सकते हैं। उससे सभी मार्शियंस को ब्रीथ करने लायक ऑक्सीजन मिल जाएगा। इस प्रोसेस में हमें लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से रॉकेट लॉन्च हो सकेगा इन केस कि हम अर्थ पर रिलोकेट होने का सोचे तो। मार्स पे फर्टिल सॉइल भी नहीं है जिस पर हम फार्मिंग कर सकें, उसकी जगह हमें हाइड्रोपोनिक्स यूज करना होगा, जिससे हम मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की हेल्प से क्रॉप्स कल्टीवेट कर पाएंगे जिसमें कोई सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब क्योंकि मार्स के सरफेस पे रनिंग वाटर तो होगा नहीं, तो उसकी वजह से हम हमारी नीड का सिर्फ 20% फूड ही ग्रो कर पाएंगे, बाकी का 80% हमें अर्थ से हमारे साथ लेकर आना पड़ेगा। बट उसमें हम फ्रेश फूड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसशिप में लाया हुआ सारा फूड ड्राई होगा, और रहने का क्या, सभी मार्स सेटलर्स इन्फ्लेटेबल प्रेशराइज्ड बिल्डिंग्स में रहेंगे। बट ज़्यादा चांस है कि हमें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स की कोई ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है तो रेडिएशन का लेवल अर्थ से 2.5 गुना ज़्यादा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन होगी और ह्यूमंस उसे सह नहीं पाएंगे। और धूप सेकना तो दूर की बात है, सन अर्थ के मुकाबले मार्स पे आधा भी नहीं दिखेगा। अगर हम मार्स पे घूमना चाहते हैं और अलाइव रहना चाहते हैं तो हमें पूरा टाइम स्पेस सूट में रहना पड़ेगा सोलर रेडिएशन से बचने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि मार्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। ये स्पेस सूट की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये आपको गर्म भी रखेगा, क्योंकि मार्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। अर्थ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर तो उसके आगे स्वर्ग लगेगा। मार्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 55°- में होता है और मिनिमम -153°। मार्स पे एक दिन हमारे अर्थ के एक दिन से बस 40 मिनट ही ज़्यादा होता है, बट मार्स का एक साल अर्थ के एक साल से ट्वाइस होगा। अगर हम मार्स में नॉर्थ में रहते हैं तो 7 मंथ्स स्प्रिंग, 6 मंथ्स समर रहेगा, फिर 5 मंथ्स का ऑटम और 4 मंथ्स विंटर रहेंगे। मार्स का टेम्परेचर लो ही नहीं बल्कि एक वीक के अंदर ही बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकता है। इससे पावरफुल डस्ट स्टॉर्म्स हमें झेलनी पड़ सकती है। वो हमें हार्म तो नहीं पहुंचाएंगी, बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन को इससे फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/3 है, तो हमें फिर से चलना सीखना होगा। तो अभी भी रेड प्लैनेट पर सेटल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बेस्ट चांस मार्स पे फर्स्ट कॉलोनी सेटल होने का वेट करना है, जिससे वो मार्स को अर्थ जैसा रहने लायक बनाने की शुरुआत कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर से अमोनिया आइस लेकर मार्स को थोड़ा वार्म रखना होगा, जिससे मार्शियन नॉर्थ पोल की ड्राई आइस गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और मार्स को एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। अभी भी ब्रीथ करने में दिक्कत आएगी, बट एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो स्पेस सूट उतार कर बाहर निकलने का टाइम आ गया है। फिर मार्स के ज़मीन के नीचे की वाटर आइस को पिघला कर वाटर एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिससे वाटर वेपर्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर और थिक बनेगा। एवेंचुअली रेनिंग और स्नोइंग स्टार्ट होने लगेगी और शायद हजारों साल बाद मार्स पे रहने लायक ऑक्सीजन हो जाएगा, जिससे ह्यूमंस ब्रीथ कर पाएंगे और प्लैनेटरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आप मार्स पे रहने का ट्राई करना चाहोगे?
या जो अर्थ पे है उसे प्रिजर्व करके यहीं रहना चाहोगे? दिस ब्रिंग्स एंड टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टेल हाउ मच यू लाइक द वीडियो बाय राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज शेयर इफ यू वॉन्ट आंसर्स टू एनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। Thank you for watching the video. Please like the video, subscribe the channel, and do not forget to ring the bell icon.